तैयार हो जाइए, आने वाला है नो एंट्री का सीक्वल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, तो खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि नो एंट्री का सीक्वल आने वाला है। डायरेक्टर अनीस बज्मी भाई बड़े एक्साइटेड हैं। उन्होंने कहा कि जब फरदीन खान ने एकदम अपना वेट लूज किया और फोटोज सामने आई तो मैंने कहा भाई ये कोई हैंडसम बंदा है, फिर पता चला कि तो फरदीन है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी फरदीन से फोन पर बात हुई और फरदीन ने पूछा कि भाई अब तो वेट वेट लॉस कर लिया, अब क्या करना है। तो मैंने उसको बताया कि भाई नो एंट्री के सीक्वल की तैयारियां कर रहे हैं। तो फरदीन कहता है कि भाई मैं तो एकदम तैयार हूँ, बताइए कब करना है। तो यहाँ पर अनीस बज्मी साहब कहते हैं कि बोनी कपूर साहब का इंतजार हो रहा है, प्रोड्यूसर साहब जैसे यहाँ कर देंगे वैसे ही शुरू कर देंगे। यानी कि नो एंट्री फ्लोर पे आने को तैयार हो चुकी है भाई। अब यहाँ पर देखिए, फरदीन खान तो ऐसा लग रहा है कि होंगे ही होंगे जिस तरीके से अनीस बज्मी बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या सलमान खान भी होंगे नो एंट्री में, क्योंकि पिछली नो एंट्री की जान रहे थे सलमान भाई। लेकिन यहाँ अभी देखा जाए तो अगले 2 साल तक सलमान भाई की जो डेट्स है वो एकदम जैम पैक्ड है। तो अब सलमान भाई ऐसे में कैसे वक्त निकालेंगे नो एंट्री के सीक्वल के लिए, और अगर सलमान भाई नहीं होंगे तो मजा थोड़ा सा फीका हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, नो एंट्री के सीक्वल में सलमान खान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपकी क्या इच्छाएं हैं जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।